दीदी ये लो जी आपकी साड़ी। थैंक यू बाबा जी। इतनी कम सैलरी, क्या है? मैंने क्या है? ये क्या है? मैनर्स भूल गई हो क्या तुम? नेक्स्ट टाइम नॉक करके आना। ये क्या है डिम्पल? मुझे मेरी पूरी सैलरी क्यों नहीं दी है? जाके अकाउंट से पूछो, उन्होंने कहा कि तुमने रोका है। अमृता तुम्हारा चेक तुम्हारे हाथ में है। ये मेरी पूरी सैलरी नहीं है डिम्पल, मेरे ओवर टाइम के पैसे, बोनस, नए साल का इंक्रीमेंट, वो सब नहीं है इसमें। मैंने पूरे महीने ओवर टाइम किया था। ओवर टाइम? अमृता आई थॉट तुम अपने काम को महीनों और दिनों के हिसाब से काउंट नहीं करती हो। तो कैसा ओवर टाइम? हाँ मुस्कान तो तुम्हारा घर है ना। मजाक उड़ा रही डिंपल, मुझे मेरी पूरी सैलरी की जरूरत है। बहुत सारे खर्चे हैं, खुशी की फीस भरने, पॉलिसी के पैसे देने, मुझे अपनी पूरी सैलरी चाहिए डिंपल प्लीज। अमृता हॉस्पिटल कुछ फाइनेंसिस डिफिकल्टी से गुजर रहा है, अगले महीने तक सबको रुकना पड़ेगा। मैं नहीं रुक सकती हूँ, दूसरी नौकरी ढूंढ लो ना तुम, इट्स ओके। क्या बोले जा रही? हाँ तुझे रियलाइज हो रहा है कि तू क्या बोल रही? क्या चाहती कि मैं गिड़गिड़ाऊं अपने पैसों के लिए? तू मुझे शर्मिंदा करना चाहती है? अमृता इस वक्त ना मैं तुम्हारा लेक्चर सुनने के बिल्कुल मूड में नहीं, बिकॉज़ अनलाइक यू मेरे पास बहुत काम है, तो आई हैव टू गो। ओके जी मेहता जी, लेकिन आप तो कह रहे थे कि केस हमारे फेवर में, और वैसे भी सारी प्रॉपर्टीज लीगली हमारी, इसमें मेरे हस्बैंड के भाई का कोई भी हिस्सा नहीं है। देखिए जब तक ये सब डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो जाता आपकी प्रॉपर्टी पर स्टे ऑर्डर लगाया गया। मेहता जी एक बात ध्यान से सुनिए, मेरे लिए प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम भी है। आप प्लीज प्लीज कुछ भी कीजिए। ठीक है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। हॉस्पिटल कुछ फाइनेंसिस डिफिकल्टी से गुजर रहा है, अगले महीने तक सबको रुकना पड़ेगा। क्या हुआ दादी मामा? आप टेंशन में लग रहे हो, क्या आपने फिर से तो खाना नहीं बनाया? नहीं। ऐसी कोई बात नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ। दादी मामा, मामा का फोन था क्या? नहीं। मुझे मामा से बात करनी है, मैं बात करके आती। हाँ खुशी बेटा बोल। हम लोग कल ट्यूशन जा रहे हैं ना, आई मीन ट्यूशन टीचर को बोल दिया मैंने कि मैं आपसे ज्वाइन कर रही हूँ, तो आप ऐसा मत बोलना कि कल नहीं जा रहे। हाँ बेटा दादी मम्मा है वहाँ पे? दादी मम्मा यहाँ पर ही है, वो थोड़ी परेशान लग रही हैं, पता नहीं क्यों। बात करूँ आपकी? बात करा। मैं बात कराती हूँ दादी मम्मा, वो मम्मा का फोन है, आपसे बात करनी है। हाँ बोलो अमृता, आप ठीक है ना? क्या वो अब खुशी कह रही है कि आप थोड़ी परेशान लग रही हैं? क्या करूँ, अमृता को बताऊं कि नहीं?
वो ऑलरेडी बच्चों और खर्चों को लेकर इतनी परेशान है, उसे अपनी एक और प्रॉब्लम बता के मैं परेशानी में नहीं डालना चाहती। क्या बात है मम्मी? नहीं, मुझे क्या परेशानी होगी। वो अमृता, बच्चे भूखे हैं, मैं बस खाना लगाने जा रही हूँ, रखती हूँ। नहीं नहीं दादी, मैं एक मिनट, मामा से बात करनी है मुझे। थैंक यू। हाँ तो मामा, पक्का फाइनल है ना कि हम लोग कल जा रहे हैं? हाँ बोल दे बेटा। ठीक है, बाय। क्या करूँ मम्मी जी से, कैसे कहूँ, वो तो खुद ही परेशान लग रही है। भगवान, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, वही तो तोड़ होगा। तुम मुझे सबके सामने बताओगे तुमने ये क्या सोच कर लिखवाया है? यही चाहती हूँ कि तुम मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं रखो। May I come in? Yeah. मुझे आपसे कुछ बात करनी है डॉक्टर। अमृता, इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ, प्लीज वेट आउटसाइड। ठीक है, मैं बाहर वेट कर। हाँ डॉक्टर अनिल। डॉक्टर करण, लगता है काफी बिजी, मैं बाद में आती हूँ। अमृता, डॉक्टर अनिल, मैं आपको 10 मिनट बाद फोन करता हूँ। जी बोलो। मुझे इस महीने की पूरी सैलरी नहीं मिली, मेरे ओवरटाइम के पैसे नहीं दिए गए, मुझे अपनी पूरी सैलरी चाहिए। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? डिंपल से बात करो। मैंने डिंपल से बात की लेकिन वो मेरी बात नहीं मानी। तो तुम जानते हो कि मेरे बहुत सारे खर्चे, मुझे ट्यूशन फीस भरनी है। ओ एक मिनट, एक मिनट, अब तुम मुझसे पर्सनल बातें करना चाहती हो? अब हम सिर्फ डॉक्टर और नर्स नहीं है। डॉक्टर करण ओबेरॉय, आप मुस्कान हॉस्पिटल के चीफ रेसिडेंट डॉक्टर हैं। हाँ। अगर यहाँ के स्टाफ को कोई भी प्रॉब्लम, तो आपकी भी प्रॉब्लम। रियली? तो जाओ जाके एडमिन से बात करो। मुझसे क्यों बात कर रही है? वो मुझे बता देगा। प्रोटोकॉल अमृता, प्लीज फॉलो इट। और तुमने जो हमारे बीच में ये लाइन ड्रॉ की है ना, उसे क्रॉस करने की कोशिश मत करो।
और सुनो, आगे से अगर ऐसी कोई बात हो ना तो बाकी नर्सेस की तरह एप्लीकेशन डाल देना, मैं देख लूंगा। आप सही कह रहे हैं, सॉरी गलती मेरी ही है, अगली बार से एप्लीकेशन डाल दूंगी। लेकिन अगर एप्लीकेशन डालनी ही है तो आपको या डिंपल को नहीं, सीधा ट्रस्टीज को डाल। तुम मुझे धमकी दे रही? नहीं, धमकी देने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने हक के लिए लड़ रही। बैठो। डिंपल, ये क्या इशू है? कौन सा इशू सर? अमृता के सैलरी में डिडक्शन क्यों हुआ है? I'm so sorry सर, इतनी छोटी सी बात के लिए आपको परेशान होना पड़ा। एक्चुअली अकाउंट्स वालों से सैलरी रिलीज करने में कुछ मिस्टेक्स हो गई। अमृता मेरे पास आई थी और मैंने उसे यही कहा था कि नेक्स्ट मंथ मिल जाएगी उसे पूरी सैलरी। अगले महीने तक हर कोई नहीं रुक सकता, और अमृता हमारी हेड नर्स है। इसके किसी काम में कभी कोई शिकायत या कोई रोक टोक नहीं हुई, फिर ये क्यों? देखो, आगे से वो मेरे पास नहीं आनी चाहिए। जी सर, मैं अकाउंट से कहके इसकी बाकी की सैलरी रिलीज करा दूंगी। देखो डिंपल, हम अगर अविनाश की पत्नी का ख्याल नहीं रख सकते तो ये हॉस्पिटल चलाने का क्या फायदा? Both of you may leave now. Thank you, uncle. चेक जाके अकाउंट से ले ले, मुझे डिस्टर्ब मत करना। तो डिंपल चाहती, मुझे ना तेरी सोच पे तरस आता है, फिर सोचती हूँ कि तुझे मुंह लगाने का कोई फायदा नहीं। तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा अमृता, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन जो नहीं। जब तक चेक क्लियर होंगे ट्यूशन फीस जमा हो जाएगी, बाकी बिल्स भी क्लियर हो जाएंगे। हाँ खुशी बेटू, हाँ मैं बैंक आई हुई हूँ चेक डिपॉजिट करने के लिए, तो तू एक काम कर, अपने ट्यूशन वालों से ना उनका अकाउंट नंबर पता करके मुझे मैसेज कर दे। हाँ मैं फीस ट्रांसफर कर दूंगी, ठीक है? हाँ बेटा, ओके। हाँ बैंक ही आई हुई, ओके बेटा। चेक मिलने से क्या होता है अमृता, पैसे भी तो आने चाहिए ना। डिंपल बोलो, कहाँ हो अमृता? बैंक आई हूँ चेक डिपॉजिट करने के लिए, कोई काम था। अरे तुम तो बड़ी फास्ट हो यार। यू नो व्हाट अमृता, बैंक वाले ना तुम्हारे लिए अपने रूल्स चेंज नहीं करेंगे। तुम्हारी गलती भी नहीं है तुमने जल्दी जल्दी में चेक देखा नहीं होगा, पोस्ट डेटेड चेक है। एक्चुअली तुम्हारे पैसे ना एक हफ्ते के बाद आए। Excuse me. जी? चेक वापस ले सकते हैं? क्यों? डेट गलत लिख दिया मैंने शायद। मैं बाद में लाती हूँ। लीजिए। थैंक यू। मैं खुशी की फीस कैसे भरूंगी?
अमृता कहाँ? वो बैंक तक गई है, अभी आती होगी। अले आ गई। क्यों है बुतर, परेशान है? नहीं मैम, सब ठीक। अमृता, कल मेरी ईयर एंड प्रेजेंटेशन है, मतलब आज शाम तक मुझे इस साल के सारे पेशेंट्स की सारी रिपोर्ट्स और सारी फाइल्स चाहिए। ओके। बट प्लीज वेरीफाई एवरीथिंग, कोई भी फाइल और कोई डिटेल मिसिंग नहीं होना चाहिए। आई वांट नो मिस्टेक्स। थैंक यू बेबे, एक सेकंड मेरे साथ आएंगे जी। बेबे वो शर्मा जी आए थे, उनके बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट खो गया, आप जरा उनसे कोऑर्डिनेट कर लेना प्लीज। जी मेरे रास्ते से हटो डम, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तुम अपनी ओवर स्मार्टनेस में मिस्टर गुप्ता के पास चली तो गई, पर तुमने ये नहीं सोचा कि चेक तो मैं ही रिलीज करती हूं। सोचा लेकिन ये नहीं सोचा कि तू इस हद तक गिर सकती है। डम लैंग्वेज अमृता, सीनियर हूं मैं तुम्हारी, तुम्हें इतना शौक क्यों लग रहा है? ये तो होना ही था राइट? तुझे हो क्या गया? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ पिंपल, तू इस हॉस्पिटल में सीनियर है, लोग तेरी रिस्पेक्ट करते हैं, तेरा रुतबा है यहाँ, तुझे तो ऐसे काम करने चाहिए कि तेरी रिस्पेक्ट और बढ़े। यू नो व्हाट अमृता, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम दूसरों के बारे में ना बहुत ज्यादा सोचती हो, अपने बारे में सोच के देख। तुम्हें बड़ा शौक है ना कभी मिस्टर गुप्ता, कभी मिसेस कपूर, कभी करण के पास जाकर मेरी कंप्लेन करने का। अगर ये लोग नहीं होते तो किसके पास जाती तुम? इसीलिए कहती हूँ मेरे पास आओ, मेरे सामने झुको, मेरा एहसान लो। टिंपल, मुझे किसी के एहसान की कोई जरूरत नहीं, ये मेरी मेहनत के पैसे, इनके लिए मुझे किसी के आगे भीख मांगने की भी कोई जरूरत नहीं। खुशी बोल बेटा। मम्मा, आपने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि आप मेरे लिए न्यू कॉमिक बुक ला के दोगे। मैं पुरानी पढ़ पढ़ के बोर हो गया हूँ। प्लीज मम्मा, तू इधर दे मेरे। हेलो मम्मा, प्लीज इसका कॉमिक बुक पहले छोड़ दो आप। मेरी फीस, मेरी फीस आ गई। नहीं मेरी फीस है, मेरी कॉमिक बुक। अरे नहीं ना, सुन ऐसा ही ना। ओहो, कितना लड़ते हो दोनों। मैं घर आके तुम लोगों से बात करती हूँ, ठीक है? वैसे भी मैंने एक सरप्राइज प्लान किया तुम्हारे लिए। सरप्राइज? सरप्राइज देने वाली है मम्मा? क्या सरप्राइज है मम्मा? अरे मम्मा को पहले घर तो आने दो। हाँ वेट करो। चलो रख रही हूँ, बहुत काम पड़ा है, थोड़ा लेट होगा। ओके ओके। पापा जी, अब आपका ही सहारा, प्लीज संभाल लेना। आप भी ना दीदी, सरप्राइज पहले से थोड़ी कोई बता देगा। तू ना चुप कर, तेरी कॉमिक बुक आएगी मैं फाड़ दूंगी। सही बता, भगवान देर पे देर हो जा रही, बच्चे वेट कर। काम नहीं हुआ तुम्हारा अब तक? हो गया डर। डॉक्टर करण को कल बोर्ड के सामने एनुअल प्रेजेंटेशन देनी, उसी के लिए फाइल्स अरेंज कर। अमृता, तुम्हारा काम कभी टाइम पे खत्म क्यों नहीं होता? तू कहना क्या चाहती है? मैं जानबूझकर ओवरटाइम करती हूँ। इसमें कहना क्या, साफ दिखता है।
दिन में ड्यूटी चाहे 12 घंटे की हो या 8 घंटे की, तुम्हारा काम हमेशा ओवरटाइम में खत्म होता है। ऑफ कोर्स, ओवरटाइम के एक्स्ट्रा पैसे जो मिलते हैं डबल फायदा है, राइट? डिंपल, फायदा और नुकसान तू देख, मुझे जानबूझकर ओवरटाइम करने की कोई जरूरत नहीं। वो क्या है ना, मेरे पास मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं जो कि घर पे मेरा इंतजार करते हैं। तेरी तरह अकेली नहीं हूं ना मैं। नो एक्सक्यूज। अकेली नहीं हूं मैं अमृता, अकेला तुमने किया है मुझे। तुम आई थी अभी और मेरे बीच में, तुमने उसे छीना मुझसे, और अब करण को मुझसे छीना चाहते हो। इस बार मैं तुम्हें नहीं जीतने दूंगी, क्योंकि इस बार मैं कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म कर दूंगी। अमृता, अपना एटीट्यूड चेंज करो, पर नहीं, काम करने का बड़ा शौक है तुम्हें, लो अब करो तुम।